जो मौलवियों और पीरों ने हमें दीन पढ़ाया कि सारी जिंदगी हमें हुजूर गौसे आजम की खीर खिलाई, ग्यारहवीं वाले का नाम बताकर हमें बताया कि वो ग्यारहवीं वाले का नाम शायद ये था कि वो हलवा हर ग्यारहवीं ग्यारह हर महीने की ग्यारह तारीख को हलवा बांधते थे, वो खीर बांधते थे, ये हमें बताया। मैंने कहा जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई तो सबसे पहले हुजूर गौसे आजम मैदान में आए। नामूसे रिसालत का जब मसला आया ना, हुजूर गौसे आजम मैदान में आए। कैसे? जब ईसाई ने आकर ललकारा, उसने आकर कहा कि हमारे नबी की शान तुम्हारे नबी से ज्यादा है, तुम्हारे कुरान में है, तुम्हारे कुरान में है कि हमारे नबी ने मुर्दा जिंदे किए हैं, आपके नबी के बारे में है ही नहीं कि उन्होंने मुर्दा जिंदे किए हैं, इसलिए हमारे नबी की शान ज्यादा है। बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई तो हुजूर गौसे आजम ने क्या कहा, तो सूफी लोगों ने अंदर बैठे हैं यार तू गल कर ले, असी तो इस्लाम के अखलाक नाल फैला तू की गल्ला करे ना। हुजूर की इज्जत की बात किया या आपने कहा मेरे आका और मौला की शान वराउल वराए पहले मेरे से बात कर, कहा हुजूर की शान वराउल वराए बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है, कौन सा मुर्दा जिंदा करे, कब्रिस्तान में ले गए चले गए सबसे पुरानी कब्र पर जाकर ये नहीं कहा कुम बिज़निल्लाह, फरमाया कुम बिज़नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जाता मुर्दा जिंदा नहीं हो गया। बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई तो गौसे आजम नहीं आए, ऐसे नहीं आला हजरत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौसे और लाडला बेटा तेरा, हुजूर गौसे आजम हमारे साथ खड़े हैं।